दखल प्राइड अवार्ड के इंद्रधनुषी मंच से कौन बच पाया? क्या व्यवसायी, क्या उद्योगपति, क्या शिक्षाविद और क्या समाजसेवी, जिसने लीक से हटके कार्य किया वह सदैव अभिनंदन का पात्र होता है। और ऐसे ही लोगों से सजी शाम थी दखल प्राइड अवार्ड की। श्यामला हिल्स पर दखल प्राइड अवार्ड सेरेमनी अपने खुमार पर थी। दखल के मंच से कौन छूट पाता? तमाम लोगों की अदालत में आवाज बनने वाले अधिवक्ता अखिलेश श्रीवास्तव को उत्कृष्ट कानूनी सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। भोपाल में जन्मे युवा व्यवसायी मधुरम ग्रुप के डायरेक्टर सुधीर गुप्ता को उत्कृष्ट व्यवसाय और आपके सामाजिक सरोकारों के लिए सम्मानित किया गया। दखल प्राइड अवार्ड की पहली जो हमारी सेरेमनी है, इसको ये अवार्ड मतलब मध्य प्रदेश के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव का विषय है। दखल प्राइड अवार्ड की जो शुरुआत हमारे अनुराग उपाध्याय जी और शेफाली गुप्ता जी ने जो की है, ये बड़ा अविस्मरणीय है और ये परंपरा जो चलती रहेगी, इसमें नए नए लोगों को मौका मिलता रहेगा और अलग अलग हस्तियों को, जैसे कि व्यवसायिक और अलग अलग जो भी लोग काम कर रहे हैं, उन सबको मौका मिल रहा है। बहुत अच्छा है, प्रोत्साहित होते हैं लोग और इसी तरह के अवार्ड लोगों को मिलते रहना चाहिए। अच्छा जो काम कर रहे हैं उनको अवार्ड मिलने से और प्रोत्साहन मिलता है, आगे बढ़ते हैं लोग। सुशील अग्रवाल वैसे तो व्यावसायिक गलियारों और मीडिया का एक चर्चित नाम है, लेकिन इससे इतर उनकी छवि एक समाज सेवी की है। व्यावसायिक गतिविधियों में परिश्रम से कमाए गए धन का एक हिस्सा आप सामाजिक कार्यों के लिए सदैव अलग रखते हैं। निर्धन और जरूरतमंद बच्चियों की शिक्षा का मसला हो या फिर जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन व्यवस्था करने का, आप ऐसे कार्यों के लिए सदैव सबका सहयोग करते नजर आते हैं। उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज ने सुशील अग्रवाल को दखल प्राइड अवार्ड से नवाजा। मैं सर्वप्रथम दखल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि अनुराग जी ने, शेफाली जी ने मुझे इस अवार्ड के लिए चुना। जहाँ तक बात दखल न्यूज़ की है, मैं अनुराग से तकरीबन 20 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जिस तरह के अनुराग जी पत्रकार हैं, उस तरह के पत्रकार शायद बड़े बिरले पत्रकार होते हैं, जो अपनी बात सीधी सीधी रखते हैं, वो किसी का डर नहीं रखते, वो सरकार के पक्ष में भी बोलते हैं, सरकार के विपक्ष में भी बोलते हैं। तो मैं अनुराग जी को उनकी पत्रकारिता के लिए, उनके अच्छे कार्यों के लिए बहुत साधुवाद देता हूँ। और दखल न्यूज़ अनुराग जी के और शेफाली जी के मार्गदर्शन में अच्छा काम करता रहे और बहुत आगे बढ़ता रहे, बहुत तरक्की करे, इस मेरी शुभकामना है। LNCT यूनिवर्सिटी के सचिव डॉक्टर अनुपम चौकसे ने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए साहसिक कदम उठाने में कभी कोई संकोच नहीं किया। आपके कार्य करने की शैली आपको दूसरों से अलग करती है। आपके विश्वविद्यालय से पढ़े छात्रों ने देश और विदेश में प्रदेश का नाम रोशन किया। LNCT यूनिवर्सिटी का नाम आज पूरे देश में जाना जाता है। शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण और सामाजिक कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दखल न्यूज ने आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया। न्यूज का प्राइड अवार्ड था और बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप को ने अवार्ड सेरेमनी में अवार्ड दिया। और जो भी सम्मानित सदस्य थे आज, जिन्हें अलग अलग विभागों से थे, उनको दखल न्यूज ने सम्मानित किया है, उसके लिए दखल न्यूज को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इंजीनियर गौरव तिवारी युवाओं में एक लोकप्रिय नाम है। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आप मानसरोवर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। शिक्षा और सामाजिक क्षेत्र में आपके विशिष्ट योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। उनका यह सम्मान विशाल गुप्ता ने ग्रहण किया। गौरव तिवारी जी एक बहुत यंग और डायनामिक पर्सन है और इतनी कम उम्र में उन्होंने मानसरोवर ग्रुप में बहुत बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट किए हैं। मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी एक उनका बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसके अलावा मानसरोवर आयुर्वेदिक कॉलेज, मानसरोवर डेंटल कॉलेज, मानसरोवर नर्सिंग कॉलेज, मानसरोवर स्कूल, अब मिस्टिक अर्थ करके एक नया कंपनी भी ला रहे हैं। वो ऑल द टाइम, वो पूरे टाइम लगे रहते हैं कि कैसे कैसे करके समाज को कुछ भी बेहतर दिया जाए। चित्रांस लाइफ स्टाइल के MD अविराज सक्सेना BE की पढ़ाई के बाद रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी में पैर पसारे और कम उम्र में बिल्डर बनने का गौरव प्राप्त किया। आप हमेशा नए प्रयोग करते रहते हैं। दखल न्यूज के सभी दर्शकों का और अनुराग जी का, शेफाली जी का एवं समस्त दखल न्यूज़ के सारे स्टाफ का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जिस मुकाम के लिए, बिल्डर के कार्य, अच्छे कार्य के लिए मुझे आज आपके द्वारा सम्मानित किया गया है, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उच्च क्वालिटी में, सस्ते से सस्ते, अच्छे से अच्छे मकान मैं अधिक से अधिक जनसंख्या के लिए उपलब्ध करा सकूं और पूरे प्रदेश में चित्रांश लाइफस्टाइल आपके आशीर्वाद से आगे बढ़ाए।
धन्यवाद। विकास पटेल माइडस एकेडमी के फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। 2010 में एक छोटे से कमरे से माइडस इंग्लिश क्लासेस शुरू की। आपका ध्येय छात्रों के मन से इंग्लिश के प्रति डर को दूर करना है। शिक्षा के क्षेत्र में विकास पटेल के कार्यों और आपके सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। देखिए, एक तो आप कोई भी काम करें और अगर उस काम का आपको प्रोत्साहन मिलता है तो डेफिनेटली आपको खुशी होती है और आगे बढ़ने की इच्छा और जागृत हो जाती है। और दखल न्यूज़ को मैं इसके लिए बिल्कुल तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ, और उन्होंने मेरे काम के, मेरे प्रयास को पहचाना और उस काम के लिए मुझे सम्मानित किया, उसके लिए धन्यवाद। युवा व्यवसायी सौरभ अग्रवाल का पढ़ाई पूरी करने के बाद संघर्ष शुरू हुआ। आपका ये सफर सागर से मुंबई होकर भोपाल तक आया और एक व्यवसायी के रूप में आपको स्थापित किया। अग्रवाल, समाज के उत्थान के लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपकी धारणा है सब अपने अपने समाज की सेवा करते रहें तो हम बेहतर स्थितियों का निर्माण कर सकते हैं। उत्कृष्ट व्यावसायिक सोच और सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। बहुत बहुत प्रसन्नता हुई है और बहुत मनोउत्साह बढ़ा है इससे हमारे लिए बहुत आगे बढ़ने की कार्य मिला है और अवार्ड ऐसा होना चाहिए। श्रीमती माधुरी मिश्रा समाज सेवी क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। बड़ा इसलिए कि आपने अपने घर का नाम ही अपना घर रख दिया है। समाज में जिन्हें बेसहारा कहा जाता है उनका सहारा बनती हैं माधुरी मिश्रा जी। समाज सेवा की मिसाल बन चुकी माधुरी जी को सर्वोत्तम सामाजिक योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया। देखिए, ये सबसे पहले तो मैं उनको बहुत सारा धन्यवाद दूंगी कि हमारे जैसे छोटे मोटे काम करने वालों को भी एक स्थान समाज में देने का काम जो उन्होंने किया है, क्योंकि काम बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और अगर आप लोग ऐसे न्यूज़ चैनलों की नज़र हम लोग तक नहीं जाएगी तो समाज में हम कैसे पता कर पाएंगे कि समाज में कौन किस स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत सारा साधुवाद देती हूँ कि हमारे जैसे अनेकों सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच देने का इन्होंने जो काम किया। संस्कार वैली स्कूल की विद्यार्थी अरियांशी शुक्ला एक बेस्ट स्टूडेंट है। ये ऑलराउंडर बिटिया हैं। ये पढ़ाई में तो टॉपर हैं ही, इसके अलावा 3 बार प्रदेश स्तर पर और 2 बार राष्ट्रीय स्तर पर जिम्नास्टिक में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुकी हैं। ये जितना अच्छा जिम्नास्टिक करती हैं उतनी ही इन्हें कथक नृत्य में महारत हासिल है। असीम संभावना से भरी अरियांशी को कलात्मक योगदान के लिए दखल प्राइड से सम्मानित किया गया। प्रोफेशनल सिंगर अरविंद दयाल शर्मा वैसे एक राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। आपके ताऊजी स्वर्गीय श्री शंकर दयाल शर्मा देश के राष्ट्रपति रहे हैं। अरविंद दयाल शर्मा खुद तो गाते हैं, साथ ही उभरते हुए कलाकारों को मंच प्रदान करते हैं। आपके गायन के प्रति समर्पण और उत्कृष्ट सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज़ ने आपको सम्मानित किया। जाने के बाद आते हैं यार, गुजरे हुए वो मेले, जीना सिखा रही है, मरना सिखा रही है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। कोरियोग्राफर आशीष शर्मा ने बचपन से डांस और म्यूजिक से प्रेम के चलते बिना किसी ट्रेनिंग के डांस शुरू किया। आप गॉड गिफ्ट में मिली कला को निखारते चले गए और ब्लाइंडर गन्स डांस म्यूजिक क्लास के संस्थापक बने। आपकी संस्था से जुड़कर अब तक हजारों बच्चे डांस में पारंगत हो चुके हैं। नृत्य संगीत के प्रति आपके समर्पण, निष्ठा और सामाजिक योगदान के लिए आपको दखल प्राइड अवार्ड दिया गया। सजनी है दूर सजन से, बेटे हैं दूर वतन से, खून अपना बहा देने को, बांधे है कफन को सर से कयामत सा, खून से तर दामन है कयामत सा आलम है। भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है। देश में हर खुशी और गम के मौके पर LIC सबके साथ खड़ा नजर आता है। भारतीय जीवन बीमा निगम को उत्कृष्ट सेवाओं और सामाजिक योगदान के लिए दखल न्यूज ने LIC मध्य क्षेत्र को दखल प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक है, जिसकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित होकर एक पारसी बैंकर
सर सोराब जी पोच खानवाला ने 1911 में की थी। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सेंट्रल बैंक को वास्तविक अर्थों में अखिल भारतीय बैंक कहा जा सकता है, क्योंकि 28 में से 27 राज्यों तथा 7 में से 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी शाखाओं का विस्तृत नेटवर्क है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को दखल न्यूज ने देश के विकास में उसके योगदान के लिए दखल प्राइड अवार्ड दिया। बैंक के अधिकारी संजय लांबा ने ग्रहण किया। दखल प्राइड न्यूज द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं, बहुत ही अच्छे अवार्ड इन्होंने चूज किए हैं। जो समाज सेवी हैं, जो कला के क्षेत्र में पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकिंग है, तो सभी को इन्होंने सम्मानित किया है। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने किया है, क्योंकि सभी, कोई कवि आया है उसने अपनी कविता सुनाई है, कोई गायक आया उसने गाना सुनाया, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम ये रहा है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।